मार्केट जैसा परफेक्ट ढोकला घर पर बनाएं आसानी से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड जायका। आज हम बनाएंगे बेसन ढोकला घर पर आसानी से बिना फेल हुए। ढोकला खाना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बनाने से पहले हम सोचते हैं कि बहुत टफ है, लेकिन आज हम घर पर बनाएंगे आसानी से परफेक्ट ढोकला। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे हम, और उसमें हम एक गिलास पानी रखेंगे गर्म होने। ढक्कन रख दिया है मैंने इसे गर्म होने के लिए। एक बाउल लेंगे हम, और इसमें हम डालेंगे डेढ़ कप बेसन। डेढ़ कप बेसन ले ली हूँ मैं। अब इसमें लंग्स गुठलियाँ कुछ है तो इसे फोड़ लेंगे या छन्नी से छान लेंगे। छन्नी से छान लें तो अच्छा है। इसमें हम दो पिंच नमक डालेंगे, आधा चम्मच शक्कर डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे दो चम्मच नींबू का रस, और थोड़ा सा इसमें हमने येलो कलर डाला है। येलो कलर डालने से कलर अच्छा दिखाई देता है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से एक कप पानी लेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके तीन बार में डालना है। और कुल आधा कप पानी लगा है इसे मिक्स करने के लिए। अच्छी तरह से बैटर मिक्स हो जाए तो इसमें दो चम्मच हम खाने का तेल डालेंगे। हम राई का तेल नहीं डालना है, बाकी कौन सा भी तेल डाल सकते हैं। राई का तेल डालने से स्मेल आती है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और एक ही साइड इसे मिक्स करते हुए जाना है। बैटर ये तैयार हो गया। इसमें अभी एक चीज़ और डालनी है, लेकिन अभी हम बाद में डालेंगे। और जिस बर्तन में हमें ढोकला बनाना है उसमें हम तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है, गैस को स्लो करेंगे, और इसमें हम सावधानी के साथ स्टैंड रख देंगे। और अब बैटर में हम डालेंगे पाव चम्मच बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा। इसे अच्छी तरीके से फटाफट से मिक्स कर लेंगे। एक ही साइड से मिक्स कर लेना है। और अब ये मिक्स हो गया है, इसे जल्दी से हम बर्तन में ऐड कर लेंगे फटाफट से। इसे ज़्यादा रुकना नहीं है। और अब ये सारा हमने बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब सावधानी के साथ इसे कढ़ाई में बर्तन को रख देंगे। अच्छी तरीके से इसे कवर कर देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है, और 20 मिनट तक इसे पकाएंगे। 20 मिनट के बाद देखिए बनकर ये ढोकला तैयार है। और अब हम इसे चेक करेंगे किसी छुरी या चम्मच की मदद से। अब जो चम्मच मैंने इसमें डाला है, देखिए उसमें बैटर नहीं लगा है, साफ़ आया है, यानी ढोकला अच्छी तरीके से पककर तैयार हो गया है। अब इसे सावधानी के साथ निकाल करके साइड में रख देंगे, और अब हम तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए एक पैन लेंगे, और इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे, आधा चम्मच राई डालेंगे। राई चटक जाए तो थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे। और अब तीन से चार मिर्ची हमने चीर कर ले लिए हैं, इसे भी इसमें डालेंगे। और एक कप पानी ऐड कर देंगे इसमें हम, और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच शक्कर, थोड़ा सा नमक। इसे मिक्स कर लेंगे और एक मिनट तक पकाएंगे। एक मिनट हो गया है, अब चलते हैं ढोकले की तरफ। तैयार हो गया है, ठंडा हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। कितने आसानी से ये ढोकला निकल गया है, देखिए कितना स्पंजी तैयार हो गया है पककर। इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर लेंगे हम, और ये कट हो गए हैं सारे ढोकले। अब इस पर हम डालेंगे तड़का। थोड़ा थोड़ा करके तड़का इस पर डालना है, एक साथ नहीं डालना है। एक चम्मच की मदद से हम थोड़ा थोड़ा करके इस पर हम सारा तड़का डाल देंगे, और देखिए पूरा ये सोख करके अच्छी तरीके से ये सोख कर तैयार हो गया है। हरा धनिया डाल देंगे इस पर हम गार्निश के लिए, और देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट स्पंजी और परफेक्ट ढोकला बना है। आप भी ट्राई करें, और कैसा बना मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचें।